वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रेल विकास निगम स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो रेल विकास निगम में यहाँ पे कल अपर सर्किट लगा था, उसी को कंटिन्यूअस आज तेजी देखने को मिली है। जो कल तेजी थी उसी तेजी को कंटिन्यूअस किया है और रिसेंटली देख सकते स्टॉक 78.25 पे ट्रेडिंग करा है, 3 पॉइंट अप है, तकरीबन 4% तक तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली न्यूज के ऊपर हम लोग सबसे पहले नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज है क्या आरवीएनएल स्टॉक के लिए। तो देख सकते कि आरवीएनएल स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते बैक्स प्रोजेक्ट ऑन साउदर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे में यहाँ पे आप देख सकते कि एक प्रोजेक्ट मिला है और एक तकरीबन देखोगे तो उसके पहले देखा जाए तो देख सकते कि रेल विकास मूव्स हायर ऑन रुपीज 1134 करोड़ चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट विन। तो देख सकते कि चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते कि रेल विकास निगम ने जीखा था, उसी के बाद यहाँ पे तुरंत बाकी के यहाँ पे दूसरा साउदर्न रेलवे का प्रोजेक्ट मिला है, जो कि अच्छी बात है। दो प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक के लिए। बाकी के जो डिटेल है हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे ही चेन्नई या फिर रेल विकास निगम स्टॉक के। तो देख सकते कि स्टॉक ने एक अच्छी मोमेंटम, मार्केट कैप 16,000 करोड़ के ऊपर, अगला रेजिस्टेंस 80 लेवल पे लगने के चांसेस होंगे। वैसे भी आज का वॉल्यूम जो है 1 करोड़ 13 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, ट्रेडेड वैल्यू 8,894 लाख की है, बाइंग के लिए 16 लाख है तो सेलिंग के लिए 26 लाख क्वांटिटी है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की भी बात की जाए तो 97 लाख में से 49 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 50% क्वांटिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते कि चार्ट के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे अगला जो रजिस्टर 80 लेवल पे लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में लास्ट मंथ में भी देख सकते कि 80 लेवल पे रजिस्टर लगने के बाद गिरावट हो चुकी थी, तो उसी तरह अभी रिसेंटली एक अच्छा बाउंस बैक हो रहा है स्टॉक में फिर से एक बार, तो ऊपर 80 लेवल को ब्रेक करके ऊपर सेटल होता है तो ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी बढ़ सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट आरवीएनएल के लिए।